मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की इजरायली वजीर आजम के बयान की मुखालफत। ट्रूडो का कहना था कि कैनेडा फलस्तीन के दो रियासती हल का हामी है। मैं वजीर आजम नेतन्याहू को यह सुनकर हैरान नहीं हुआ। टोरंटो में बर्फबारी, इंतजामिया का शहरियों को दौराने ड्राइविंग एहतियात का मशवरा। जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर हिस्सों में 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। वीकेंड पर टोरंटो का मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। इलेक्शंस कनाडा का अगले विफाकी इंतखाबात के लिए बड़ा इकदाम। वोटर्स को तैयार करने के लिए ऑनलाइन डिस इंफॉर्मेशन टूल का आगाज कर दिया। वेबसाइट आम गलत फहमियों को दूर करने के लिए हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करेगी। अमरीका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द। 9 रियासतों में शदीद सर्दी बरकरार। एक हफ्ते के दौरान 43 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क के जनूब में 30 इंच से ज़्यादा बर्फबारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने फलस्तीनी रियासत के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू के मौकफ को तनकीद का निशाना बनाया, जब इजरायली वजीर आजम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि नाम नहां दो रियासती हल ख़त्म हो चुका है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने फलस्तीनी रियासत के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू के मौकफ को तनकीद का निशाना बनाया, जब इजरायली वजीर आजम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि नाम नहां दो रियासती हल ख़त्म हो चुका है। ट्रूडो का कहना था कि मैं वजीर आजम नेतन्याहू को ये सुनकर हैरान नहीं हुआ। ये तवील अरसे से उनका मौकफ रहा है। उन्होंने और मैंने सिर्फ चंद हफ्ते पहले बिल्कुल इसी मौजू और दीगर पर एक वसी गुफ्तगू की थी। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि कैनेडा की पोजीशन बिल्कुल वाज़ह है। हम समझते हैं कि खत्ते के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दो रियासती हल दर हकीकत एक महफूज इसराइल के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता एक फलस्तीनी रियासत का होना है, जो बैन अलावी सतह पर तस्लीम शुदा सरहदों के साथ भी महफूज हो। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि इसराइल की नई सरकारी पोजीशन मशरक़ वस्ती के बारे में कैनेडा की देरीना पॉलिसी में भी मुतसादिम है, जो ओस्लो मुहैदे और उसके बाद के मुहैदों को इसके नुक्ता नज़र के मरकज में ओस्लो में रखती है। कैनेडा फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करता है और एक जामा मुनसिफाना और देरपा अमन तस्फिया के हिस्से के तौर पर एक खुद मुख्तार आज़ाद काबिल अमल जमहूरी और इलाकाई तौर पर मुत्तसिल फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। दूसरी जानिब मगरबी किनारे का दौरा करने वाले दो अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि वो इलाके में इसराइली आबादकारों के तशद्दुद के बारे में फिक्रमंद हैं। लिबरल अरकान पार्लियामेंट सलमा जाहिद और शफकत अली, न्यू डेमोक्रेट अरकान पार्लियामेंट हैदर मैकफेरसन, मैथिव ग्रीन और लिंडसे मैथिसन के साथ मगरबी किनारे और उर्दन का दौरा कर रहे हैं। अली ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट ने इस हफ्ते के अवाइल में मशरकी यरूशलम पहुँचने के बाद से आबादकारों के तशद्दुद के मुतासरीन से सुना है, बशमूल वो फलस्तीनी जो कहते हैं कि उन्हें गोली मार दी गई है या उनके घरों को जला दिया गया है। ये वाकयात हो रहे हैं और मैंने ज़मीन पर बहुत से लोगों से ये सुना है। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर टोरंटो के शहरी इस वीकेंड पर शदीद सर्द मौसम का सामना करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर टोरंटो के शहरी इस वीकेंड पर शदीद सर्द मौसम का सामना करेंगे। माहरीन मौसमियात के मुताबिक जुमे की सुबह होने वाली बर्फबारी के सबब शहरियों को दौराने ड्राइविंग मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर हिस्सों में 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है।
इसके बाद झीलों से दोबारा बर्फबारी होगी और इस इलाके में शहरी सर्द दर्जा हरारत का एक और कलील मुद्दती मौसम महसूस करेंगे। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -2 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। हफ्ते के रोज दिन के औकात में शहर में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत -8 रहेगा जो रात के औकात में -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इतवार के रोज शहर का दर्जा हरारत दिन के औकात में -2 रहने की तवक्को है जो रात के औकात में -5 तक पहुंच जाएगा। इलेक्शंस कनाडा ने अगले वफाकी इंतखाबात के लिए वोटर्स को तैयार करने के लिए ऑनलाइन डिस इंफॉर्मेशन टूल का आगाज कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इलेक्शंस कनाडा ने अगले वफाकी इंतखाबात के लिए वोटर्स को तैयार करने के लिए ऑनलाइन डिस इंफॉर्मेशन टूल का आगाज कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि वो इंतखाबी अमल पर तवज्जो मरकूज करेगी, पार्टियों उम्मीदवारों के इश्तराक करदा मवाद की दुरुस्तगी पर नहीं। इलेक्शंस कनाडा कनाडा में इंतखाबी अमल के बारे में गलत मालूमात और गलत मालूमात को खत्म करने में वोटरों की मदद करने के लिए एक ऑनलाइन टूल शुरू करके अगले वफाकी इंतखाबात के दौरान कनाडा के वोटरों को गलत बयानियों और मालूमात से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्टोफैक्ट्स वेबसाइट जो इस हफ्ते शुरू की गई है, हालिया बरसों में इलेक्शंस कनाडा के हुक्काम की तरफ से मुशाहदा की गई सबसे आम गलत फहमियों को दूर करने के लिए हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करती है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक बयान में कहा है कि गलत मालूमात के खिलाफ लचक पैदा करने से जमहूरियत की मजमूई सेहत को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इलेक्टोफैक्ट्स एक इजाफी कदम है जो इंतखाब करने वाले इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो इंतखाबी अमल के बारे में मुत्तला और दुरुस्त मालूमात रखते हैं। अमरीका में शदीद सर्दी की वजह से एक हफ्ते के दौरान हलाक होने वाले अफराद की तादाद 43 हो गई है। अमरीका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द है। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में शदीद सर्दी की वजह से एक हफ्ते के दौरान हलाक होने वाले अफराद की तादाद 43 हो गई। अमरीका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द है। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की 9 रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। न्यूयॉर्क के जुनूब में 30 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। इंतजामिया ने शहरियों को बिला जरूरत बाहर ना निकलने की हिदायत की है। यख पस्ता हवाओं से स्मोक और धुंध की सूरत हाल है। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शह चमा दी है। अमरीकी महकमा सेहत के मुताबिक सर्दी की वजह से सबसे ज्यादा 14 हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई, जबकि पेंसिल्वानिया में फिसलन के बायस ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद मारे गए हैं। रियासत ओरेगन में बर्फबारी और सर्द हवाओं से 85,000 अफराद घरों में महसूर हो गए, जबकि कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, सप्लाई का निजाम मुतासिर होने पर 50,000 घर बिजली से महरूम हो गए। दूसरी जानेब यूरोपीय मुल्क नॉर्वे में कई फीट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गई हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।